यदि आप मोबाइल से गूगल मीट पर कोई ऑनलाइन प्रोग्राम पार्टिसिपेंट के रूप में अटेंड करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसके लिए सबसे पहले आप मोबाइल में गूगल मीट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर मैंने गूगल मीट एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है जो आपको मैप्स एप्लीकेशन के राइट साइड में मीट नाम से दिख रही है। किसी भी गूगल मीट में जुड़ने के लिए आपको मीटिंग का लिंक या फिर मीटिंग कोड की ज़रूरत होती है जो आपको ईमेल, व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर व्हाट्सएप में मुझे एक गूगल मीट का लिंक शेयर किया हुआ है। चलिए उस लिंक के थ्रू हम लोग गूगल मीट ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास सबसे नीचे ब्लू फॉन्ट्स में गूगल मीट का एक लिंक है। लिंक से जुड़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें meet.google.com के आगे जो 10 अल्फ़ाबेट्स हैं RDEIVPZDVI, ये इस मीटिंग का कोड है। मैं इस मीटिंग के कोड को सीधे इस्तेमाल करके भी गूगल मीट में जुड़ सकता हूँ। इसके लिए पहले मैं आपको गूगल मीट एप्लीकेशन में लेकर के जाता हूँ। ये मैंने गूगल मीट एप्लीकेशन ओपन की। गूगल मीट एप्लीकेशन ओपन होने पर आपके सामने आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन विद ए कोड। यहाँ पर जैसे ही आप टैप करेंगे आप वो कोड लिख सकते हैं और कोड लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे आप उस मीटिंग से जुड़ जाएंगे जिसका यह कोड है। तो इस तरह से हम किसी भी मीटिंग के कोड को यूज करके गूगल मीट में जुड़ सकते हैं। अब चलिए लिंक के थ्रू इस मीटिंग से जुड़ते हैं। ये अब मैं जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करूँगा ये गूगल मीट एप्लीकेशन के माध्यम से अपने आप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते ही इसने मुझसे पूछा है कि इस लिंक को कौन से गूगल अकाउंट से ज्वाइन करना है। इस मोबाइल में 3 गूगल अकाउंट अभी चल रहे हैं। मैंने ऑर्गेनाइजर्स को सबसे ऊपर वाला जो मेरा ईमेल आईडी है वो दिया हुआ है तो मैं उसी से इस गूगल मीट को ज्वाइन करूंगा ताकि ऑर्गेनाइजर्स मुझे पहचान सकें। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया अकाउंट सेलेक्ट किया अब आपके सामने गूगल मीट एप्लीकेशन रेडी है आपको उस मीटिंग में ज्वाइन कराने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी इमेज के नीचे 3 बटन हैं, एक कैमरा है, एक माइक्रोफोन है और एक ज्वाइन है। मैं इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट हूँ, मुझे मेरा कैमरा ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये कैमरा ऑफ कर दिया। अब मुझे माइक्रोफोन ऑन रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइक्रोफोन यदि मैं ऑन रखूँगा तो मेरे एंड पर जो भी आवाज़ हो रही है, चाहे टीवी चल रहा हो, बच्चे की आवाज़ हो, वो सारी मीटिंग में पब्लिक को सुनाई देगी। इसलिए मैं अपना माइक्रोफोन भी बंद कर देता हूँ। आप हमेशा ध्यान रखें यदि आप पार्टिसिपेंट हैं तो आप अपना कैमरा और माइक्रोफोन तभी ऑन करें जब ऑर्गेनाइजर्स ने आपको इसके लिए कहा हो, नहीं तो आपके एंड पर जो भी आवाज़ क्रिएट हो रही है या आपके वेबकैम के सामने जो भी व्यू है वो पब्लिक को एज इट इज़ दिखता है। इससे आपकी प्राइवेसी को भी खतरा है और जो मीटिंग चल रही है उसका डेकोरम भी गिरता है। तो आप हमेशा कैमरा और माइक्रोफोन बंद रखें। अब मेरी इमेज के ऊपर आप देख रहे हैं वही मीटिंग कोड यहाँ पर आ रहा है, हम उस मीटिंग को ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे ही मैं ज्वाइन बटन को प्रेस करूंगा मैं इस मीटिंग में ज्वाइन हो जाऊंगा। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है आस्किंग टू ज्वाइन। अब ऑर्गेनाइजर के पास मेरी परमिशन चली गई है। ऑर्गेनाइजर जैसे ही मुझे एडमिट करेगा अब मैं इस मीटिंग में शामिल हो गया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर रिसोर्स पर्सन है, अपनी पीपीटी के थ्रू प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको बता देता हूं। सबसे ऊपर मीटिंग कोड लिखा हुआ है और उसके राइट साइड में जो निशान है वो कैमरे का निशान है। आप फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा यहां पर ले सकते हैं। मैं पार्टिसिपेंट हूं, मैंने अपना कैमरा बंद किया हुआ है, अभी मुझे इस बटन का कोई यूज नहीं लेना है। उसके राइट साइड में ब्लूटूथ का निशान है, आप अभी मैंने ब्लूटूथ ऐड किया हुआ है मोबाइल में। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ढेर सारे ऑडियो के ऑप्शन आपको मिलेंगे। यदि आप स्पीकर पे क्लिक कर देंगे तो मोबाइल का स्पीकर आपको
spelling turbidity is also high. और यदि आप ब्लूटूथ ऑडियो ऑफ कर देंगे तो आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, और यदि आप ब्लूटूथ ऑन रखेंगे तो आपने जो ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ है उसमें आपको रिसोर्स पर्सन की आवाज आती रहेगी। अब इस मीटिंग में कितने लोग जुड़े हुए हैं देखिए। सबसे पहला लेफ्ट साइड में यू लिखा हुआ आ रहा है, वह मैं हूं, उसके बाद में रिसोर्स पर्सन, और उसके बाद में एक पार्टिसिपेंट और है, उसके बाद में लिखा हुआ है 48 अदर्स, यानी कि यहां पर 48 मेंबर्स और जुड़े हुए हैं। यहां पर मैं इस 48 अदर्स को क्लिक करूंगा तो इन सभी पार्टिसिपेंट्स और ऑर्गेनाइजर जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं सबकी लिस्ट यहां पर मुझे मिल जाती है। और अब मैं वहीं आ गया हूं बैक एरो क्लिक करके। उसके नीचे देखिए क्या दिख रहा है, एक रेड बटन है, उसे क्लिक करते ही मैं मीटिंग से बाहर हो जाऊंगा। कैमरे का बटन है जो अभी बंद है, उसे प्रेस करते ही कैमरा मेरा ऑन हो जाएगा। माइक्रोफोन है, उसे प्रेस करते ही माइक्रोफोन भी ऑन हो जाएगा। उसके राइट साइड में तीन डॉट्स आपको यहां पर दिख रही है, उसे मैं क्लिक करता हूं तो मुझे यहां पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है इन कॉल मैसेजेस एक्चुअल में इस मीटिंग के लिए चैट बॉक्स है, आप इसे क्लिक करके कोई भी मैसेज यहां पर लिख सकते हैं। ये देखिए इन कॉल मैसेजेस का विंडो ओपन हो गया, आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, वो जो मैसेज है वो सारी पब्लिक को दिख जाएगा, ऑर्गेनाइजर्स तक पहुंच जाएगा। उसके अलावा यहां पर आपको शेयर स्क्रीन का बटन मिल जाता है, आपको कभी भी स्क्रीन शेयर नहीं करनी है। स्क्रीन शेयर करने से मीटिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और जो ऑर्गेनाइजर रिसोर्स पर्सन ने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है उसकी जगह आपकी स्क्रीन शेयर हो जाती है, तो कभी भी ऐसा न करें। तो ये सभी ऑप्शंस थे गूगल मीट के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन और बता रहा हूं आपको, यहां पर अभी रिसोर्स पर्सन की जो पीपीटी है वो मुझे बहुत छोटी दिख रही है, और इसमें क्या लिखा हुआ है ये मुझे दिख नहीं रहा, तो मोबाइल का रोटेट फंक्शन यूज करके मैं इसे बड़ा कर सकता हूं। ये मैंने रोटेट फंक्शन यूज किया, और यदि मैं इसे ऐसे रोटेट करूंगा तो अब मुझे पीपीटी फुल साइज में दिखने लग गई है, और मैं देख सकता हूं कि रिसोर्स पर्सन ने यहां पर क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फीचर और है जो भी मैं आपको बता देता हूं, पिन फीचर ऑफ गूगल मीट, इसे कैसे यूज लेते हैं वो आप समझ लीजिए। मान लेते हैं अभी मेरी स्क्रीन पर रिसोर्स पर्सन की पीपीटी आ रही है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रिसोर्स पर्सन की पीपीटी नहीं आती, या तो उसका वेबकैम व्यू आता है, अब रिसोर्स पर्सन के कैमरे का व्यू आ रहा है, उनकी पीपीटी मुझे नहीं दिख रही है, या कई बार मेरी स्क्रीन पर कोई और ही पार्टिसिपेंट होता है, न तो रिसोर्स पर्सन होता है न उसकी पीपीटीज होती है। ऐसे केस में मुझे गूगल मीट का पिन फीचर यूज करना होगा। वो कैसे होगा आप देखिए, गूगल मीट में जब भी कोई रिसोर्स पर्सन अपनी स्क्रीन शेयर करता है या पीपीटी शेयर करता है तो उसकी दो आईडी बन जाती है, उसमें से प्रेजेंटेशन वाली आईडी को मुझे पिन करना होगा। अब यहां पर जो हमारी रिसोर्स पर्सन है वो है ये देखिए, यहां पर रिसोर्स पर्सन हमारी गीता पेडाते है जिनका माइक्रोफोन अभी ऑन है, और यहां पर आपको जो ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है वो माइक्रोफोन ऑन होने का सिंबल है, और इनकी दो आईडी बनी हुई है, एक में माइक्रोफोन ऑन है और एक में माइक्रोफोन ऑफ है। यदि मैं माइक्रोफोन ऑफ वाली जो आईडी है उसके सामने बने हुए तीन डॉट्स को क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे पिन का ऑप्शन मिलता है। मैं जैसे ही इसे पिन करूंगा तो इनकी जो दूसरी आईडी थी प्रेजेंटेशन वाली आईडी उसको मैंने पिन कर दिया है, अब वो मेरी स्क्रीन पर पीपीटीज आने लग गई है। यदि मैं इनके वेबकैम का व्यू देखना चाहता हूं यानी कि रिसोर्स पर्सन के कैमरे का व्यू देखना चाहता हूं तो मैं इनकी जो इमेज आ रही है नीचे इसे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली पिन हो जाएगी और इनके वेबकैम का व्यू मुझे दिखेगा। यदि मुझे पिन फीचर को इस तरह से यूज लेना है, आप गूगल मीट में जिसे भी देखना चाहें उसे आप पिन कर सकते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। ध्यान रहे वो केवल आपकी स्क्रीन पर आएगा, सबकी स्क्रीन पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं अभी मुकेश कुमार शर्मा जी का यहां पर नाम लिखा हुआ है, मैं यदि इन्हें पिन करता हूं तो मेरी स्क्रीन पर मुकेश शर्मा जी आ जाएंगे। यदि इनके कैमरे का व्यू ऑन होता तो मुझे
यदि इनके कैमरे का व्यू ऑन होता तो मुझे इनके कैमरे के सामने जो भी व्यू होता वो दिखाई देता, और इस बात का पता मुकेश जी को भी नहीं चलता न ऑर्गेनाइजर्स को चलता है। इसलिए पिन फीचर गूगल मीट में इस तरह से यूज लेते हैं कि आपको जो देखना है वो आप उसे आप उन्हीं को आप पिन कीजिए और आप यूज लीजिए। पिन फीचर का पिन फीचर मिलेगा कहाँ, ये मैंने आपको बता दिया है। नाम के सामने आप जो थ्री डॉट्स हैं उन्हें क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको पिन फीचर ऑप्शन यहां पर मिल जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप नोट कर सकते हैं, जो भी प्रेजेंटर है उनकी दो आईडी बन जाती है। जैसे गीता पढ़ाते मैम है, इनकी दो आईडी बनी हुई है, एक इनके वेबकैम का व्यू दिखाएगी आपको और दूसरी को यदि पिन करेंगे वो इनकी प्रेजेंटेशन वाली आईडी होगी। मैं वापस इनकी जो ऊपर वाली आईडी है उसको पिन करता हूं तो इनकी जो पीपीटीज है वो मेरी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ गई। उम्मीद करता हूं आपको गूगल मीट का पिन फीचर समझ में आ गया होगा। और जैसे ही मैंने इनको पिन किया तो ऊपर कॉर्नर में पिन का सिंबल आ गया, वो ये बता रहा है कि मैंने इनको पिन किया हुआ है। तो ये सभी गूगल मीट के फीचर्स हैं। उम्मीद है आप इन्हें यूज करते हुए इस ज्ञान गंगा FDP को सक्सेसफुली पूरा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।